जी इसके अंदर हमें देखने को मिल जाए बहुत सारे फ्यूचर जिसको ट्राई करके आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। और इसका जो प्राइस है 2300 है, तो आप अगर बाइक भी करना चाहते हो तो कर सकते, काफी ठीक ठाक प्राइस मुझे लगा और काफी सारे फ्यूचर है। तो चलिए इसको अनबॉक्स करते हैं और उसके बाद इसके साउंड क्वालिटी फ्यूचर वगैरह बताते हैं। सो गाइस सबसे पहले हमें देखने को मिल जाएगा कुछ इस टाइप का बॉक्स, Realme Buds Wireless 2 एंड यहाँ पर देख सकते कुछ लिखा हुआ है, बाकी Realme ऊपर यहाँ पर पीला पीला कलर है एंड पीछे की तरफ हमें देखने को मिल जाता है एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। सोनी LDAC हाई रेस ऑडियो, 10 मिनट का चार्ज करो और 12 घंटे प्लेबैक देगा, 13.6 mm का बेस्ट बूस्ट ड्राइवर मिलता है, 22 आवर्स का टोटल प्लेबैक देखने को मिलेगा, 88 ms सुपर लो लेटेंसी गेमिंग के लिए जो कि बहुत ही अच्छा है। सो यहाँ पर Realme Buds Wireless 2 कब मैन्युफैक्चर हुआ, MRP वगैरह सब कुछ यहाँ पर देखने को मिलता है। चलिए इसे ओपन करते हैं। सो ओपन करने के लिए आपको करना पड़ेगा यहाँ पर देख सकते हैं एंड यहाँ पर देखो भाई कितना अच्छा लग रहा है देखने में। चलिए इसे निकाल लेते सबसे पहले। सो निकालने के बाद इसे रखते साइड क्योंकि इसके अंदर और भी हमें कुछ देखने को मिलता है। निकालते हैं सो यहाँ पर देख सकते हैं एक कागज है जिसमें आप लोग इसे स्कैन करके इसका ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, हम इसके बारे में बाद में बात करते हैं। इसे रखते साइड एंड उसके साथ साथ गाइस यहाँ पर हमें देखने को मिलता है Realme का एक बड़ा सा मैनुअल जिसको पढ़ना नहीं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर रख देना है। और यहाँ पर हमें देखने को मिले चार एक्स्ट्रा ऐप टिप्स जिसको हम लोग साइड में रखते है एंड गाइस यहाँ पर हमें देखने को मिल जाता है USB 2 Type-C केबल जो कि क्वालिटी में अच्छा है बट इसे मत यूज करना क्योंकि जो वायर है ना काफी छोटा है एंड अभी सब कुछ रखते हैं साइड। सो इसका जो फिजिकल ओवरव्यू है ना काफी ज्यादा अच्छा है, यहाँ पर देख सकते हैं वॉल्यूम अप डाउन बटन देखने को मिल जाता है एंड यहाँ पर पॉज वगैरह करने के लिए यहाँ पर एक्स्ट्रा और बटन देखने को मिलता है। इसका जो फ्यूचर है काफी ज्यादा अच्छा है, इसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं माइक देखने को मिल जाता है एंड यहाँ पर टाइप सी पोर्ट देखने को मिल जाता है जिससे आप लोग इसको चार्ज कर सकते हैं। और इस साइड में सिर और सिर Realme का ब्रांडिंग देखने को मिल जाता है, इसका जो ये वाला चीज है ना काफी अच्छा क्वालिटी का है और देखने में भी काफी अच्छा लगता है। और गाइस यहाँ पर देख सकते हैं मैग्नेट टिप भी है सो काफी अच्छा है, इसका जो पावर है ना काफी ज्यादा अच्छा है, यहाँ पर देख सकते लग जाता है एंड यहाँ पर देख सकते नॉइस कैंसिलिंग के लिए और यहाँ पर माइक्रोफोन भी है एंड यहाँ पर देख सकते ये टिप्स जो है ना काफी अच्छा है और डिजाइन में भी काफी अच्छा लगा मुझे। कॉल को रिसीव करने के लिए ये वाला फीचर काफी अच्छा लगता है और ऑन ऑफ होने के लिए भी। सो चलिए देखते है इसे कैसे कनेक्ट करते है फोन के साथ। सो गाइस सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपका जो फोन है उसको निकालना पड़ेगा, उसके बाद आपको प्ले स्टोर में जाना पड़ेगा, उसके बाद आपको सर्च करना पड़ेगा Realme लिंक। जैसे सर्च कर लोगे आपके सामने एक एप्लीकेशन आएगा, उसको जल्दी से इंस्टॉल कर लो, इंस्टॉल करने के बाद उसको ओपन करो फिर एग्री कर देना गाइस। एग्री करने के बाद आपको कंट्री चूज करना है जो कि इंडिया है, उसके बाद नेक्स्ट कर दो। उसके बाद गाइस यहाँ पर माय होम पे ऊपर देख सकते हो उसके ऊपर क्लिक करो, उसके बाद आपको लॉगिन करना पड़ेगा, इसीलिए आपको यहाँ पर आपका जो मोबाइल नंबर है उसको डाल दीजिए एंड डालने के बाद आपको वेरिफिकेशन कोड आएगा उसको यहाँ पर लिख दीजिए। लिखने के बाद गाइस आपका जो एक पासवर्ड होगा उसे सेट कर लीजिए, एक जो कोई भी एक पासवर्ड लिख दीजिए एंड उसके बाद आपको देखने को मिल जाएगा कुछ इस टाइप के एप्लीकेशन एंड एप्लीकेशन के अंदर जाने के बाद आप देख सकते काफी सारे यहाँ पर फीचर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं नॉइस कैंसलिंग है, नॉर्मल ट्रांसपेरेंसी वगैरह वगैरह सभी कुछ यहाँ पर फीचर देखने को मिलता है। बट सबसे पहले आप लोग ब्लूटूथ को ऑन कर लीजिए एंड ब्लूटूथ के अंदर जाने के बाद आपको देखने को मिल जाएगा नीचे Realme Buds Wireless 2, उसको क्लिक कर दीजिए और उसके बाद अलाउ करके प्लेयर कर लीजिए। प्लेयर जैसे हो जाता है तो यहाँ पर देख सकते हैं कनेक्टेड हो चुका है, 8% चार्ज है और एक्टिव भी है एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं एप्लीकेशन के अंदर नॉइस कैंसलिंग नॉर्मल ट्रांसपेरेंसी सब कुछ है, बाकी यहाँ पर एप्लीकेशन के तरह सब कुछ ठीक कर सकते हैं एंड नीचे साउंड इफेक्ट यहाँ पर देख सकते हैं, नीचे गेमिंग मोड भी हमें देखने को मिल जाता है तो गेमिंग मोड ऑन करके जल्दी से गेम भी खेल सकते है। मैं एक सॉन्ग को प्ले करके आप सभी को दिखा देता हूँ, चलिए यूट्यूब में जाके एक सॉन्ग को प्ले करते है। अभी जो वॉइस रिकॉर्ड हो रहा है ना वो इसी के हेडफोन से हो रहा है, सो इसी का माइक का क्वालिटी कैसा है समझ सकते हो, चेक कर लेना कि कैसा है माइक का क्वालिटी, बताना नहीं पड़ेगा मुझे।
सो गाइस अभी हम बात करते हैं क्या इसे बाय करना चाहिए या नहीं। सो देखो बाय करना चाहिए क्योंकि इसका जो साउंड क्वालिटी है ना काफी ज्यादा अच्छा है और बेस मोड ऑन करते हैं तो काफी ज्यादा बेस भी मिलता है कम साउंड के अंदर। इसका जो गेमिंग मोड है मतलब गेमिंग मोड ऑन करते हो तो लो लेटेंसी भी देखने को मिलता है, काफी ज्यादा लो लेटेंसी है तो आप लोग फ्री फायर पबजी वगैरह सभी गेम्स खेल सकते हो। और गाइस आप लोग इसे अगर कॉलिंग के लिए यूज करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हैं, काफी अच्छा क्वालिटी देता है। भाई जब कॉलिंग करो ना तब आप लोग नॉइस कैंसिलिंग मोड जरूर से ऑन कर लेना, अच्छा क्वालिटी देगा। सबसे ज्यादा अच्छा लगा वो है एंटी नॉइस कैंसिलेशन। गाइस इसको ऑन करने के बाद आपको बाहर कर कोई भी नॉइस नहीं आएगा, पता नहीं कैसे रियलमी ऐसा फीचर लाया बट काफी ज्यादा यूजफुल है। सो बाय भी कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं, वहां पर मैंने इसका बाय लिंक देकर रखा है। सो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में, अभी के लिए बाय बाय।